सो गाइस घर से निकलते हैं फिलहाल। गुड मॉर्निंग भाई लोग, मायसेल्फ एटीएन एमसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक्चुअली गाइस रिसेंटली मैंने अपना हेलमेट चेंज किया है क्योंकि जो पुराना वाला हेलमेट था उस पर वॉइस कट कट के आता है। अभी मुझे सिर्फ अपना माइक का चिंता है कि माइक एल लगवाने आते बस वॉइस आपको अच्छे से सुनाई दे। मैंने कल ऐसे माइक टेस्टिंग किया था, वॉइस तब ठीक आ रहा था, अब पता नहीं क्या होता है। जो भी है जैसा भी है, तो गाइस सब लोग टाइटल और थंबनेल तक के समझ ही गए होंगे कि अपन आज कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस मुझे माफ़ करेगा, मैंने आगे वाले ब्लॉग पे शायद कहा था कि वीडियो रेगुलरली आएगा, बट क्या करें, बीच में था मेरा एग्जाम्स और मैं एक्सक्यूज ही दे रहा गाइस, बट एग्जाम्स के बीच में जा सकता था पर उसके बाद क्या क्या होता है मुझे ठीक से पता था, इसलिए सोचा कि एग्ज़ाम के बाद ही चलेंगे। तो गाइस एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं उमरनेर टेम्पल और मैं एक लंबी ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ फिलहाल। यार ये ऑटो वाले से ना इतना साउंड कट कट कर करता है, कितना वॉइस खुद को सुनाई देता है कभी कभी। तो मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, लाइक आप लोग के लिए स्मॉल राइड होगा पर मेरे लिए लंबी राइड है क्योंकि मैं पहली बार सिटी के बाहर अकेले जा रहा हूँ। सोलो राइड नहीं है ये, लगभग 90 किलोमीटर का रोड होगा। मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा कहाँ जाऊँगा, बट इतना बता दूँगा कि हाँ एक प्लान हो रहा है, शायद 15 को या 20 को, इन 15 टू 20 के भीतर ही मैं जाने वाला हूँ। तो मेरा मानना है कि कहीं पे भी आप क्यों ना जाओ, एक बार मंदिर के दर्शन करके आना ठीक रहेगा। और मैं सच बताऊँ तो मैं गुवाहाटी में लगभग 20 साल रह चुका हूँ, पर क्या है कि रहने के बाद भी कभी उस जगह नहीं गया, मतलब उमरनेर टेम्पल नहीं गया। एक्चुअली कभी कभी अजीब लगता है ना गाइस, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ पे रहते हो, अगर उसी जगह को आप एक्सप्लोर ना करें तो कैसा कितना अजीब लगता है ना। अभी अपन धीरे धीरे जितना हो सकता है अपन से फिलहाल सामने वाला, तो उसको कोई सपोर्ट करेंगे क्या करेंगे। तो फिलहाल अपन अपने दोस्त के साथ जाएंगे जिसका नाम है प्रांजल, शायद उसको आपने कुछ ब्लॉग पे देखा होगा, आई एम नॉट श्योर, पर नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। और आई होप कि आप लोग को लास्ट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस टाइम से आ जाए, बाइक पे फ्यूल भी दिखाना होगा, इधर कैसे टीम कटा दिखा रहा है, मुझे कैसे सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। मैं लाइक दो तीन ब्लॉग से वही बोल रहा हूँ कि सर्विस सेंटर से लेके जाना, क्योंकि इसका फ्यूल का वो क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं। तो ये अगर पेट्रोल फिलहाल तो दो काटा है, प्रिंटर पे शो कर रहा है 3 काटा, मुझे ना ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना हो कि फेरी बोले बंद है। यार प्लीज़ ऐसा ना हो, तो बस इतना ही दुआ करता हूँ, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए बट थॉट्स बहुत आते हैं क्योंकि मैं अपन कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे थोड़ा लक ख़राब होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, प्लीज आज ऐसा ना हो।
सो गाइस हम लोग वरा उमानंदा टेंपल, पहले बाइक को लॉक करते हैं। मेरे भाई ने टिकट ले लिया, यही वो भाई है, बहुत लेट करके इन्होंने, तो दो जन का है 200 रुपया। बहुत हवा है इसमें, आपको ठीक से दिखा नहीं सक रहा हूँ। 200 रुपया अप डाउन, 200 रुपया मतलब अगर आप मतलब एक जन का होता है 100 करके, यहीं से दो साल आगे पर टिकट का था 20 रुपया करके, 20 का राइट, चार साल के आगे 20 रुपीज़ करके था, थर्टी करके था। अच्छा मैं ही भूल कर रहा हूँ। अभी इधर पे आते हैं, थोड़ा हवा का महसूस लेते हैं, फ़ोटो उठाते हैं, उसके बाद अपनी जो डेस्टिनी है उधर पे जाएंगे। अपन एक्साइटेड है क्योंकि ये मेरा पहली बार मैं फेरी पे उठूंगा, सच कहूँ तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। Now let me explain. See, I'm not trying to take you down, I'm trying to take away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run. हमारे प्रांजल भाई साहब आगे आगे जाते हुए और हम पीछे पीछे जाते हुए, कैमरामैन इधर से इतना अच्छा लग रहा है, उधर पे पहुंचने के बाद कितना अच्छा लगेगा। तो ये हमारा सफारी, इसमें हम लोग सफर करेंगे, अच्छे से बैठते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो भाई कैमरा कितने गाइस, हम लोग अभी उमानंदा आइलैंड पहुंच गए हैं। सबसे छोटा रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड, इसको राजा गदाधर सिन्हा ने बनाया था, और आपका 1694 सेंचुरी पे आपका लाइक सेंचुरी पे इसको बनाया गया था, और 1897 पे आर्टक्वेक के कारण सेपरेट होके छोटा आइलैंड से माना गया इसको। मंदिर में जाने के लिए भी लाइन लेना पड़ रहा है। ओ भाई, तो चलिए पूजा देने के लिए चलते हैं। अलाउड नहीं है, वो नहीं है, नहीं तो आप लोगों को शायद मैं दिखा पाता। तो जो भी है, जैसा भी है, चलो अच्छा ही हो। सो गाइस आज के लिए वीडियो इधर पे एंड करते हैं। द बिगेस्ट एडवेंचर इज टू लीव द लाइव एंड फुलफिल योर ड्रीम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हम आएंगे नई ब्लॉग के साथ।